तो गाइस आज आप देख सकते हैं हम कहां पर खड़े हैं। आज हम खड़े हैं जावेद फेमस नहारी, जो कि जाकिर नगर में है, बहुत फेमस है। अगर आप नहारी के शौकीन हो तो भाई जाकिर नगर का आपको ज़रूर पता होगा और आपने यहां की नहारी खाई भी होगी। अगर खाई है तो मुझे एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं आज आपको जावेद नहारी से रूबरू कराने वाला हूँ, उनका क्या क्या प्रोसेस रहता है उनका, और वे मतलब किस टाइम उनकी ओपन रहती है, क्या क्या उसका मतलब उसका प्राइजेस रहता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आज दिखाने वाला हूँ भाई यहाँ पर कितना इंटरेस्ट से लोग यहाँ पर इनकी जो देसी घी की जो नहारी वो खाते हैं। तो आज मैं आपको सीधा लेके चलने वाला हूँ अंदर और कंप्लीट मैं प्रक्रिया पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जावेद फेमस नहारी। ये अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ तो इधर अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो इधर पटना हाउस पड़ता है बहुत नियरेस्ट, और जामी मिल्ल जामिया नियरेस्ट मेट्रो होती है हमारी। अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पर NFC पास में पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा अंकाई। अभी जो टाइम है वो लगभग 2 बज रहे हैं और यहाँ पर 2 बजे इनकी बिरयानी चलती है, ठीक है। 2 बजे इनकी नहारी तो नहीं रेडी होती, और अभी इनसे हम बात भी करेंगे कि वो नहारी मतलब किस टाइम बनती है। तो अब मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ कि भाई अंदर की जो इनकी नहारी है वो दम अभी लगी हुई है उसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी इनकी जो नहारी है वो दम पर है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसको ढका हुआ है कंप्लीट, और लगभग अभी हम इनसे बात भी करेंगे कि भाई कितने बजे इनकी नहारी खुलती है, क्योंकि स्पेशल काफ़ी टाइम के लिए इसको रखा जाता है, जिस वजह से अभी 2 ही बजे हैं तो इसको लगभग 5-5:30 बजे या इनका एक बार प्रॉपर टाइम देखेंगे क्या टाइम है, पूछेंगे इनसे, बात भी करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये इसको बंद किया हुआ है, जो यहाँ पर जब शाम का जो टाइम होगा, अभी तो 2 बजे हैं, जब मैं शाम में फिर से दोबारा जब शाम में हम इनका जब ये खुलेगी वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बाकी अगर मैं इस यहाँ कर इंटीरियर की बात करूँ तो भाई कुछ इंटीरियर यहाँ पर कुछ ऐसा है, अभी लोग सब यहाँ पर जो भी खा रहे हैं वो कौरमा वगैरह है, अभी नहारी नहीं खुली है। तो अभी जो इनकी बाकी जो इनकी सब्जियाँ होती हैं इधर, जैसे कौरमा है इधर, और भी सारी चीज़ें हैं वो अब अभी यहाँ पर लोग खा रहे हैं, लेकिन नहारी के लिए लोग यहाँ पर स्पेशल आते हैं वो मैं आपको शाम में ही दिखाने वाला हूँ। अभी इसका वेट कर लेते हैं भाई ये कब में खुलती है, और हम इनसे बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितनी तेज़ी से इनका हाथ चला हुआ है, और इस वक्त जो भट्टी है बहुत गर्म है, क्योंकि मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ तो मेरे हाथ पर भी बहुत आँच लग रही है, लेकिन इन लोगों की आदत बन चुकी है भट्टी में हाथ देना, और वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी रोटी एक साथ लोग यहाँ पर 3-4 लोग यहाँ पर एक साथ रोटियों के तैयार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं भाई ये इनका साइज़ गहरी बता रही है कि 4 फीट की एक गहराई है इसकी। तो आप देख सकते हैं भाई 4-5 बंदे लगे हुए हैं, क्योंकि भाई जब यहाँ पर नहारी होती है शायद इनको और भी तेज़ स्पीड से हाथ में मतलब हाथ चलाना पड़ता है इनका जब नहारी स्टार्ट होती है शाम में। अभी तो 2-2.5 बजे हैं तो इस वजह से भी यहाँ थोड़ा सा हल्के हैं चला रहे हैं यहाँ। अच्छा, पहले तो मैं आपका ये शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ आप मुझे कवर करना है जावेद फेमस नहारी को, ये मेरी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये जावेद नहारी 30 साल पुरानी है, एक छोटी सी दुकान थी, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारा अच्छी चीज़ और हमारा अच्छा मसाला, लोगों का प्यार बस यही है। और ये हम सुबह 8 बजे से इसको पकाते हैं तो 5:30 बजे तक तैयार होती है, फिर इसको हम 5:30 बजे के बाद डिस्पेंस करके लोगों के लिए पेश करते हैं। उनको प्यार से उन लोगों को प्यार करता हूँ जो मेरे नहारी के दीवाने हैं। भाई इनके बिरयानी है जो इस टाइम बिरयानी मिलती है इनको, आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम इनकी बिरयानी चलती है, जो इनकी जो स्पेशल जो नहारी है जिस चीज़ से फेमस है जावेद नहारी से, वो इनकी शाम में बनती है। तो हम प्रोसेस दिखाने वाले हैं प्रक्रिया। जो हमने आपको देख दिखाई थी वो ईंट से ढकी हुई थी, वो खुल चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर से ग्रेवी निकाली जा रही है, ठीक है। वो ग्रेवी साइड में रखी जा रही है इस तरह से, इसके अंदर ये तेल है और ये ग्रेवी है वो आप देख सकते हैं भाई। और मतलब ये था कि मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट मिस कर दिया जब ईंट रखी हुई थी। ये सुबह मैंने इनसे बात करी सुबह 8 बजे से, और अभी इन्होंने 5 बजे इसको ओपन किया है। बाकी अब इसके बाद हम आपको देसी घी की पूरी मतलब इसका टेस्ट भी करके दिखाने वाले हैं कि भाई इसका टेस्ट क्या कैसा लाजवाब होने वाला है, क्योंकि बहुत फेमस है जावेद नहारी। तो आप देख सकते हैं भाई पूरी देग है ये, और ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये इसका वो है जहाँ से इसको प्रॉपर आग पहुँचाई जाती है, आप देख सकते हैं नीचे चूल्हा भी जला हुआ है, मतलब पूरी देग इसके अंदर गड़ी हुई है भाई। और इन्होंने खोल चुकी हैं, अब इसके अंदर से अलग अलग पार्ट कर रहे हैं, इनके पीसीज अलग होते हैं शायद, और इसी ग्रेवी अलग करेंगे इसकी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई अभी जगह खाली है, यहाँ पर कोई भी मतलब ग्राहक नहीं है,
और यहाँ पर मतलब पूरी सीटिंग है। जब यहाँ पर इनकी खुल जाएगी ना वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर सीट देख सकते हैं भाई, और यहाँ पर मतलब अभी इनका जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी खाली है यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर इनकी नारी कट यहाँ पर दिखनी शुरू होगी तो यहाँ पर कितनी भीड़ होगी वो भी हम आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप यहाँ पर मिर्च देख सकते हैं भाई, मिर्च कितनी स्पीडली कट रही है, कितनी सारी सारी मिर्च ये लोग काट रहे हैं वो आप देख सकते हैं भाई। ये देख सकते हैं इनकी कटिंग जो है वो बहुत अल्टीमेट तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक ही मिर्च ले रखी इन्होंने, कितनी सारी मतलब लगभग ऐसे होंगी 15 से 20 एक साथ मिर्च ले रही है, और इनके कितनी स्पीडली इनका हाथ चल रहा है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि भाई मिर्च भी तो बहुत सारी हैं और इनको बहुत जल्दी जल्दी इनको काटनी भी, तो भाई यहाँ पर लगे हुए हैं मजे में। बाकी यहाँ अभी रोटियों पर भी कोई नहीं बैठा है, अभी रोटियों पर भी थोड़ा क्योंकि समय लगेगा। अभी 5:10 हो चुके हैं, देख तो इनकी ओपन हो गई थी और यहाँ पर अभी कोई नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कितनी स्पीडली इनके हाथ चलते हैं, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये नली है, देसी घी में इसको मिला करके दी जाती है, तो भाई जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत अल्टीमेट होता है, लाजवाब टेस्ट होता है भाई। और भाई ये देख सकते हैं आप यहाँ पर देसी घी, इन दोनों को जब इन देसी घी और नली का जब मिश्रण बनता है तो बहुत अल्टीमेट और एक लाजवाब टेस्ट बन जाता है। अगर आपने जावेद की जो फेमस नहारी अगर आपने खाई होगी तो भाई मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं खाई है तो भाई एक बार जावेद की जो नारी है फेमस वो ज़रूर ट्राई कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इनके भगोने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इधर ये इनका घी है, ये इनकी ग्रेवी है, बाकी इधर भी कुछ नली रखी है, और इनका बीच में इनकी देग जो सुबह के 8 बजे से और अभी शाम 5 बजे इसको ओपन किया गया था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रेवी ये भी आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, अभी यहाँ पर सिर्फ तैयारी चल रही है भाई, अभी रोटी बनने की तैयारी चल रही है, लोग आटा गूंद रहे हैं, अंदर मिर्च कट रही हैं वो आप देख सकते हैं, सभी लोग मतलब तैयारियों में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन जैसा ही यहाँ पर जब ये शुरुआत होगी इसकी आपसे आधे घंटे के बाद, वो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ कंप्लीट। यहाँ पर कितनी भीड़ होती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अभी यहाँ पर सफाई चल रही है वो आप देख सकते हैं भाई, प्रॉपर सफाई यहाँ चल रही है, और उधर कुछ कटिंग चल रही है, इधर भी सफाई चल रही है प्रॉपर तरीके से वो आप देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शौकत, मुझे कम से कम 30 साल के करीब हो गए, बहुत ही अच्छा लगता, बहुत अच्छा काम आएगा, बेहतरीन काम है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं भाई, इंडिया के कहा कि बाहर के विदेश के भी आते हैं, हर जगह के आते हैं, मैं बेहतरीन चेंज करता हूँ, उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं, बेहतरीन करके खाना खिलाते हैं, वो मुझे टिप भी दे के जाते हैं, अच्छा बहुत ही अच्छा लगता। अंसार अली ऐसे होगा 12-13 साल, बड़ा जैसे आते हैं पब्लिक बड़ा अच्छा कहते हैं, पब्लिक बड़ा खुश होकर जाता है यहाँ से, तेरा बड़ा अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई तैयारी चल रही है और कोचा चल रहा है भाई, वो आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती है तो उसको मतलब थोड़ा सा प्रॉपर जैसा जम जाती है कुछ चीज़, अगर मैं कहूँ तो लग जाना होता है वो, और उसको यहाँ पर मतलब उस चीज़ को ये कोचा चला करके थोड़ा सा उसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि पानी होता है और उसके अंदर मसाले होते हैं, उन सब मसालों को इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है वो। ये सब देख सकते हैं आप भाई कितनी बड़ी देग है, मेन तो ये है भाई देखने वाली चीज़, और इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब टेस्ट है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी रोटी बनना शुरू होने वाली है यहाँ से, और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब टाइम हो रहा है रोटी बनने का, और अंदर अभी देख सकते हैं इतनी भीड़ नहीं है, मतलब अंदर खाली है अभी जगह। तो जब रोटी बनना शुरू होगी और नहारी बिकना शुरू होगी यहाँ पर कितनी भीड़ होगी भाई, वो तो आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ऐसा कितना टेस्ट है इसके अंदर जो इतनी भीड़ रहती है। और बस यहाँ पर अपने अपने ठेले पर बैठ रहे हैं कुछ लोग और तैयारी कर रहे हैं किस तरह से, क्योंकि अभी इसमें आग भी जलानी है वो भी आप देख सकते हैं नीचे, और प्लेटें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि जब नारी बिकनी शुरू होती है तो भाई प्लेटों का पूरा ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, उसको बहुत अच्छे से मतलब तैयार किया जाता है कि उनकी प्रॉपर तरीके से किया जाता है इनको, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ रेडी है, इधर रोटी भी रेडी है बनने के लिए, और इधर नहारी निकलनी शुरू हो चुकी है, और इधर लोग बैठना भी आ चुकी है, मतलब बैठना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं भाई इनका कार्यक्रम शुरू हो चुका है भाई, कितनी मेहनत के बाद, मतलब इन्होंने मेहनत करी है जो सुबह 8 बजे से अब तक इसको लगा रखा था, अब बस ये थोड़ा बिकना शुरू हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये स्पेशल मेरे लिए बन रही, सबसे पहले इन्होंने ली नहारी, मतलब कुछ पीसीज वगैरह ली हैं बोटी के, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने पीसीज वगैरह लिए हैं, और उसके बाद ग्रेवी इसके अंदर से ली जा रही है जिसको काफ़ी घंटे पकाया गया है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये इसके अंदर से
नली निकाली जा रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घी डाला गया है इसके अंदर हल्का सा, और अब इसके अंदर देसी घी डलने वाला है। आप देख सकते हैं भाई अब इसके अंदर डल चुका है देसी घी, वाओ लाजवाब। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये लाजवाब होने वाली है। आप देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट ये दिख रही है, और हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। भाई नहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब हम इंतज़ार करेंगे सिर्फ रोटी का। रोटी भी हम रोटी से टेस्ट करने वाले हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट और कितनी लाजवाब ये नहारी दिख रही है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। अब हम यहाँ पर रोटी से भी खा करके देखने वाले हैं कितनी लाजवाब होने वाली है। भी हमारे पास चल के आ चुकी है, और नहारी भी आ सही है। अब हम इसको खा करके देख लेते हैं भाई क्या मज़ा आने वाला है, वो आप देख। अभी मैं आपको खा के दिखाने वाला हूँ। रोटी मैंने तोड़ ली है भाई, अब मैं टेस्ट कर लेता हूँ इसका। भाई लाजवाब, मज़ा आ गया भाई, अल्टीमेट यार क्या मज़ा है। अल्टीमेट क्या देसी घी है इसके अंदर, क्या नहारी के अंदर नली है भाई, मज़ा आ गया। एक बार यार जाकिर नगर की नहारी, जावेद की फेमस नहारी, आप एक बार ट्राई जरूर करो ना भाई, बहुत अल्टीमेट। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई नींबू जो नहारी में डाले जाते हैं, और उसके बाद ये मिर्च और ये सैलेड। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई सभी लोग मतलब रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे प्लेटें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि इन प्लेटों के अंदर रोटी जाती है लगकर। बस यहाँ पर अब सब कुछ रेडी हो चुका है, इंतज़ार है सिर्फ खाने वालों का। वो आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे कि भाई उनको यहाँ का टेस्ट कब से यहाँ की इनकी जावेद नारी खा रहे हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस देखते ही देखते यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर सेटिंग फुल भर चुके हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग यहाँ पर काफ़ी बैठ चुके हैं और खा रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं भाई बहुत मतलब इंटरेस्टिंग से यहाँ पर, क्योंकि बहुत फेमस है, तो इस वजह से यहाँ की जो नहारी है, नहारी जब से ज़्यादा चलती है, वैसे तो उनके पास सभी आइटम्स हैं लेकिन नहारी लोग ज़्यादा खाते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी भीड़ हो चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, और पूछ लेता हूँ कि भाई यहाँ की नहारी खा करके कैसा लगा, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। वही 10-11 साल से वो बहुत टेस्टी है, मतलब जी हाँ यहाँ का सब कुछ खाया हुआ है, वो भी बहुत टेस्टी है। नहीं मैं तो कहता हूँ बिल्कुल आना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आना चाहिए, और यहाँ का टेस्ट का जब भी पता लगेगा। शाह आलम 7-8 साल से बहुत बढ़िया है, सर्विस बेटर है, साफ़ सफाई अच्छी है, प्लस में जो इनका खाना है वो बेटर है, बहुत अच्छा है। मिर्च मसाले नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं है ज़्यादा, साफ सफाई अच्छी है, और जो इनके वर्कर हैं वो भी कोऑपरेटिव हैं, ठीक है ना। खाना बहुत बढ़िया, लाजवाब, बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई रोटी बन रही है, और अब मैं आपको नीचे फैमिली वाले पोर्शन में भी लेके जाने वाला हूँ, वहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी बनी हुई है, तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी भीड़ हो रखी है, मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नहारी बनती गई इनकी, टाइम होता गया, तो यहाँ पर भीड़ लगती चली गई है। अभी मैं फैमिली वाले जो इनका सेटिंग है, मैं वहाँ पर भी जाता हूँ, वहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करता हूँ। ये नीचे इनका फैमिली सेटिंग है, यहाँ पर मतलब पूरी फैमिली यहाँ पर यहाँ बैठती है, और यहाँ पर भी मतलब नहारी लोग खा रहे हैं, और हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे भाई उनको यहाँ की नहारी कैसी लगी है, और कब से नहारी खा रहे हैं, वो भी हम बात करने वाले हैं इन लोगों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सुकून से लोग नहारी खा रहे हैं, और अभी हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि भाई उनको नहारी यहाँ की कैसी लगी है। मेरा नाम सरफराज है, बहुत अच्छी नहारी क्वालिटी है, ये भी बता देंगे 4-5 साल। बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुराने लोग हैं ये, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक जानता हूँ 74 से मैं यहाँ पर हूँ, तो ये मेरे ख्याल से 90 के आसपास या 92 के आसपास की बात मुझे याद पड़ता है कि जब ये खुले, और बहुत ही शानदार देसी घी में बनाते हैं ये, और मसाले जो है जो इसके 24 मसाले होते हैं, मुझे लगता है वो सही मिकदार में ये मसाले डालते हैं, और सही बैलेंस के साथ जो है ये नहारी बनाते हैं। इनकी रोटी बहुत शानदार है,
रोटियाँ दोनों तरह की, खमीर भी हैं और आटे के भी हैं, जैसे आप खाना चाहें आपको वैसे मिलती है। बिल्कुल आना चाहिए, अगर 5 में रेटिंग है तो मैं 4.5 की रेटिंग दूंगा। सर्विस बहुत अच्छी है, बच्चे जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, और जैसे बुलाओ तो फौरन आ जाते हैं। कॉपरेट बहुत अच्छे, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। तो गाइज ओवरऑल मैंने आपको आज दिखाया सारा का सारा यहाँ का, और ये आप देख सकते हैं जावेद फेमस नहारी, जो कि बहुत फेमस है जाकिर नगर में, क्या पूरे दिल्ली में, दिल्ली NCR में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आप नहारी के शौकीन हो तो भाई एक बार जावेद नहारी ज़रूर ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत अल्टीमेट है। क्योंकि अभी से मैंने 3 से 4 साल पहले यहाँ पर जावेद नहारी खाई थी, और उसके बाद मैं आज फिर मैंने ट्राई किया, तो भाई वही जायका है, वही शानदार मसाले हैं जो कि इनके स्पेशल मसाले होते हैं, वही सारे के सारे मसाले हैं इसके अंदर, मेरे को बहुत अल्टीमेट लगी। बाकी यहाँ से मैंने कुछ लोगों से बात भी करी है, उनको भी बहुत अच्छी लगी यहाँ की नारी, बता रहे हैं कि भाई इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सारे कोऑपरेट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मेरे को नारी खाकर के, जावेद नारी ये जाकिर नगर में है भाई, अगर आप आ रहे हो तो भाई एक बार जावेद नारी ट्राई जरूर कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।